साथ नहीं देती हो तो रख लेता हूँ। पता नहीं उन्हें मैं याद होऊंगा कि नहीं। भगवान अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। भगवान कृष्ण सुदामा को भक्ति के मार्ग में सफल करने के लिए मुरली मनोहर के रूप में उनके पास आते हैं। ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता, मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिले द्वारका जा रहा हूँ। आप श्री कृष्ण और आपके मित्र, हमारा परम कर्तव्य है, मैं आपको द्वारिका लेकर ही जाऊंगा। नहीं भाई, मैं खुद चला जाऊंगा। आइए, आप भी भोजन कर लीजिए, आप भी यात्रा करके आए। नहीं भैया, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं ब्राह्मण देवता, आपको तो खाना ही पड़ेगा, भोजन कर लीजिए। नहीं भैया, नहीं, मेरी पत्नी ने बड़े प्रेम से बनाया है। नहीं भैया, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों ब्राह्मण देवता? पता नहीं मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं। खा लीजिए ब्राह्मण देवता। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कालेशा के रूप में सुदामा के परिवार के भोजन का प्रबंध किया और एक ब्राह्मण के द्वारा इसकी जानकारी सुदामा तक पहुंचाई, जिसके बाद ही सुदामा ने कृष्ण जी के हाथ से भोजन स्वीकार किया। इस तरह कृष्ण जी सुदामा को द्वारका तक खुद लेकर गए। परम कृपालु करुणा सिंधु दीन बंधु श्री कृष्ण जी की जय।